अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कि एक वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है। सो सपोज देयर इज अ वेक्टर गिवन ए, ओके, एंड दिस इज द वेक्टर ए। सो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होगा, सिंपली टू का नेगेटिव क्या होता है, माइनस टू। सो ए का नेगेटिव क्या होगा, माइनस ए। मीनिंग सिंपली आप जो वेक्टर है जो डायरेक्शन में दिया गया है उसको फ्लिप कर दें, सेम लेंथ, और यह होगा माइनस ए। सो अगर आपको एक वेक्टर दिया गया हो ए और उसका पूछा नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, सो डैट विल बी माइनस ए। और उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो जो जस्ट जो वेक्टर दिया गया है उसको आप 180 पर फ्लिप कर दें, मीन्स उसको रोटेट कर दें 180 से। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, ए ही होगा, क्योंकि यह लेंथ होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ होता है। इसकी लेंथ ए थी, अभी भी इसकी लेंथ ए ही है। सो आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, व्हाट इट। कुछ मैं और एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको। दिस इज वेक्टर बी, सो दिस विल बी माइनस बी। इफ दिस इज वेक्टर सी, इसकी लेंथ कितनी थी, 4, सेम लेंथ की 4 की आप कहीं भी खींच दीजिए 4। और इफ दिस इज वेक्टर सी, दिस इज माइनस सी। सो वी कैन से दिस टू वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ इच अदर। और मैं पूछूं माइनस सी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो सी वेक्टर होगा। सी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो माइनस सी वेक्टर। ए का नेगेटिव वेक्टर माइनस ए, माइनस ए का नेगेटिव वेक्टर प्लस ए। होप यू गेट इट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको दो वेक्टर ए एंड बी दिए गए हैं और आपको इस बार सब्ट्रैक्ट करना है। अभी तक हमने एडिशन किया था, इस बार हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्या इसको हम लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस। सो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। सो मैंने सब्ट्रैक्शन को एडिशन के फॉर्म में लिख दिया। डैट मीन्स कि अगर ए एंड बी को सब्ट्रैक्ट करना हो आपको, सो आप क्या कीजिए, ए में माइनस बी को प्लस कर दीजिए और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होगा। सो ये जो हमारा बी वेक्टर था, इसकी लेंथ थी 3 सेंटीमीटर। डैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3, इसका मैग्नीट्यूड 5, लेट मी चेक, सॉरी 6। सो ए का मैग्नीट्यूड 6, बी का मैग्नीट्यूड 3। अब अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो इधर हमें इसको टेल टू टेल करना होगा या हेड टू टेल करना होगा। मैं इसको स्लाइड करता हूँ पैरल, मैं इसको पैरल स्लाइड करता हूँ। सो दिस इज अगेन द वेक्टर बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। दिस वेक्टर इज ऑल्सो वेक्टर बी, बिकॉज जितनी बी के मैग्नीट्यूड थी उतना ही इसका मैग्नीट्यूड है। जो बी का डायरेक्शन था वही इसका डायरेक्शन है। सो ये दोनों वेक्टर सेम होंगे, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। सो मैंने बताया कि ए माइनस बी निकालना हो तो आप वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी जोड़िए। इसे एक बार ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज वेक्टर ए and this is vector b. We have to find a minus b. In order to find a minus b, what we have to do, we have to add minus of vector b in a. So this is b, so what will be minus b. मैंने just थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर b का, अगर b एक vector है तो माइनस बी के लिए जस्ट उसे फ्लिप कर दें आप। जो सेम लेंथ थी, इसकी लेंथ थी 3 सेंटीमीटर, मैं इसको 3 सेंटीमीटर की और वेक्टर खींचता हूँ यहाँ पर। सो दिस विल बी माइनस बी, ओके। सो अगर ए में माइनस बी में प्लस कर दूँ
तो ये क्या होगा, ए में माइनस बी प्लस कर दूँ तो ये कितना होगा, ए माइनस बी। सो वी हैव टू एड वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी। सो अगेन हम पैरेललोग्राम क्रिएट करेंगे। सो एक पैरेलल लाइन ए के ऑफ सेम लेंथ, दिस लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। सो आई विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6। अगेन अ पैरेलल लाइन ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर माइनस बी। व्हेन वी ऐड वेक्टर ए विथ माइनस बी वी विल गेट ए माइनस बी, वी विल गेट ए माइनस बी। सो दो वेक्टर का सम पैरेललोग्राम रूल से कैसे मिलता है, तो जो टेल एंड है, जो टेल एंड है वहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए अपोजिट कॉर्नर में, एंड दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर मैं इसे ऐड करता ऊपर यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ कर कर, सो यह कितना होता, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। डिफरेंस निकालने के लिए, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम ए में माइनस बी प्लस कर देंगे, ए में माइनस बी को हम जोड़ेंगे, वेक्टर ए में वेक्टर माइनस बी को ऐड करेंगे। सो दिस इज वेक्टर ए, दिस वाज बी, हमने फ्लिप कर दिया इसे, तो दिस इज माइनस बी, हमने ए में माइनस बी प्लस कर दिया, तो ये हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिलेगा ए वेक्टर ए प्लस माइनस बी, और इसको हमने क्या लिखा है, ए माइनस बी। वन इम्पॉर्टेंट नोट, दिस एंगल इज थीटा हेयर, तो जब तक यह थीटा 90 से कम होगा, जब तक यह थीटा, लिसन केयरफुली, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल जब तक 90 से छोटा होगा, तब तक ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। जब यह थीटा 90 होगा तब ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जब यह थीटा इंक्रीज करेगा 90 से, जब यह थीटा 90 से ज़्यादा होगा तब ए माइनस बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तब ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू ज़्यादा होगी ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से। कि अगर दो वेक्टर आपको इक्वल मैग्नीट्यूड को दिए गए हैं तो क्या पॉसिबल है कि उसका रिजल्टेंट उतना ही आया जितनी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। अगर वेक्टर आपको ए दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड भी ए है, मीन्स दो वेक्टर सेम लेंथ के हैं, तो क्या पॉसिबल है कि उसका जो रिजल्टेंट है वो इसी लेंथ का है। यहाँ देख रहे हैं ये लेंथ बड़ी है, और मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिजल्टेंट छोटा होता जाएगा। याद कीजिए 4 और 3 मैंने एग्जांपल लिया था, थीटा 0 था 4+3 7 था, मैं जब थीटा 0 था तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 4+3 7 था, जब थीटा 90 था तो ये 5 आया था, थीटा 180 था तो रिजल्टेंट 1 आया था। सो ऐसा केस भी हमें मिला जब थीटा 180 था कि रिजल्टेंट जो है वो दोनों वेक्टर से छोटा आया, डैट मीन्स दो वेक्टर को हमने ऐड किया 4 और 3 को और रिजल्टेंट 1 आया जो 4 और 3 से भी छोटा है, मतलब 2 को 4 और 3 को जोड़ा हमने और रिजल्टेंट 1 मिला। सो अब मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हम जोड़ें और उनका मैग्नीट्यूड वही मिले जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, ए और ए को हम जोड़ें और हमें ए मिले, इज इट पॉसिबल, लेट्स सी। सो सपोज हमने सपोज किया कि एंगल थीटा पर मॉड ऑफ ए प्लस बी हमें ए मिलेगा, यह होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू इक्वल्स ए, दिस इज मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। व्हाट इज मॉड ऑफ ए, दिस इज ए, सो ए स्क्वायर। व्हाट इज मॉड ऑफ बी, दिस इज आल्सो ए,
ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू ए कॉस थीटा इक्वल्स ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, इधर स्क्वायर किया तो रूट खत्म, इधर स्क्वायर मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स ए स्क्वायर, सो टू ए स्क्वायर इज कॉमन, दिस इज वन प्लस कॉस थीटा, नाउ वन प्लस कॉस थीटा इक्वल्स ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर, दिस कैंसिल आउट, वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई टू, इसलिए कॉस थीटा इक्वल्स वन बाई टू माइनस वन, माइनस वन इक्वल्स एलसीएम इज टू, वन माइनस टू दिस इज माइनस वन बाई टू, इसलिए कॉस थीटा हमें कितना मिला माइनस वन बाई टू, और कॉस थीटा माइनस वन बाई टू होता है, माइनस वन बाई टू कॉस में 120 डिग्री पे मिलता है हमें, इसलिए थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। हमने पाया कि अगर दो वेक्टर दिए गए हों सेम मैग्नीट्यूड के और उनके बीच का एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट जो होगा वो भी उसी मैग्नीट्यूड का होगा जिस मैग्नीट्यूड के वेक्टर थे। फिगर से दिखाता हूँ, हमने तो प्रूफ कर दिया 120, तो हम एक 120 के राउंड एक फिगर लेते हैं। दिस इज वेक्टर ए विच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5, दिस इज वेक्टर बी विच हैज सेम मैग्नीट्यूड एज ए। इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्टेंट आई हैव मेड द पैरेललोग्राम एंड द रिजल्टेंट, सो द एंगल इज अराउंड 120 डिग्री, सो द रिजल्टेंट शुड बी अराउंड 5 सेंटीमीटर बिकॉज ए इज 5 सेंटीमीटर बी इज 5 सेंटीमीटर, सो लेट मी मेजर इट एंड इट इज रफली 5.3, इट इज रफली 5.3, सो बिकॉज जो 120 एंगल है इट इज़ नॉट परफेक्टली 120, मैंने रफली इसे ड्रॉ किया है, सो जब आप एग्जैक्टली 120 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा।